दोस्तों अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जारी है और हम लोग भी लगातार सभी प्रोडक्ट पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप कूलिंग पैड के बारे में, क्योंकि भरमार लगा हुआ है। एक से एक मॉडल से हैं, बहुत अच्छे प्राइसेस आए हुए हैं, बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं, इसीलिए बात करना जरूरी था। क्योंकि जितने भी लैपटॉप यूजर हैं, अगर नहीं यूज करते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक जो है कूलिंग पैड जरूर यूज करें। उससे जो है आपके लैपटॉप की लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लैपटॉप अगर हीट नहीं होगा तो उसकी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। तो कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं समझेंगे, ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सही प्राइस के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमेशा हम लोग लाइव जो है वहां पे शेयर कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी रिव्यू देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सभी पीसी बिल्ड्स वगैरह मिलेंगे, सभी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। एक से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पहली बार चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और एक से एक हम लोग कंटेंट लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मॉडल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेब्रोनिक्स के बारे में। जेब्रोनिक्स का ये बिल्कुल भी सिंपल मॉडल, जेब्रोनिक्स का ZNC3300 ये मॉडल है, जो कि एक नॉर्मल सा है, कोई हाइट एडजस्टेबल नहीं है, नॉर्मल सा वर्क करेगा, लेकिन ड्यूल फैन के साथ में आता है, इसीलिए कूलिंग के अगर माध्यम से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कम बजट के अंदर रहने वाला है। प्राइस फिलहाल अगर हम बात करें इसकी तो इस वक्त 549 रुपए है, यानी कि 549 रुपीज। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो यह हमेशा 550 रुपए के आसपास में देखा जाता है, तो करीब करीब 100 रुपए की डीलिंग इस वक्त चल रही है। तो ये छोटे प्रोडक्ट के अंदर इतना बहुत होता है, कुछ में और भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। बस वीडियो को लगातार देखें, उससे ये पता लगेगा कि किस बजट तक आपको खरीदना है, ताकि आप ठगे ना जाए, पता लगे डील्स समझ करके आपने बाय किया और डील्स कुछ मिले ही ना। इसके लिए जरूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को पूरी देखें, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस बजट तक खरीदना है। अगला हम जेब्रोनिक्स की ही बात कर रहे हैं। जेब्रोनिक्स के अंदर NC5500D मॉडल है, जो कि ये लैपटॉप के लिए भी है, दो तो इसके अंदर आपको फैन लगा ही है, 125 mm का फैन है। सबसे बड़ी बात ये है कि डिजिटली जो है इसके फैन के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए स्क्रीन पर भी आपको जो है कि स्क्रीन मिलती है, जो कि इसको बहुत ही खास बनाती है। अगर इस मॉडल को आप रखते हैं तो एक बड़ा ही अनोखा सा फील देने वाला है, क्योंकि स्क्रीन भी इस पे मिल रही है और डिजिटली आप इसके स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो है स्पीड के लिए 5 स्टेप्स मिलते हैं, जिससे 5 स्टेप में जो है आप इसको साइलेंटली कर सकते हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तो इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, और साथ में ही मोबाइल के लिए भी आपको होल्डर मिल रहा है। तो एक ही स्टैंड जो है ऑल इन वन हो जाता है, कूलिंग पैड भी बन रहा है, मोबाइल स्टैंड भी बन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है इसका प्राइस मात्र 749 रुपए है। अगर हम बेसिक प्राइस की बात करें तो यह हमेशा जो है 899 यानी कि 900 रुपए के आसपास में मिलता है, तो मिला जुला करके एक डील चल रही है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आगे जेब्रोनिक्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है, वो है जेब्रोनिक्स NC6500D मॉडल है। इसके अंदर 6 फैन लगा हुआ है, बड़े लैपटॉप के लिए, कोई गेमिंग लैपटॉप है आपके पास और उसको कूलिंग में रखना है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। 17 इंच के आसपास बड़ा लैपटॉप अगर आपके पास में है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि 6 फैन है और स्पीड कंट्रोलिंग के साथ में भी आता है। स्पीड को कंट्रोल करके आप इसका नॉइस भी कम कर सकते हैं और RGB LED है इसके अंदर, लाइट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस कूलिंग पैड के चारों तरफ जो है एक लाइट स्ट्रिप लगी हुई है, जो कि RGB है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और 5 स्टेप्स आपको मिलते हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से आप इसको जो है इसके स्टेप को सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फील देने वाला है। और इसके साथ में भी जो है आपको मोबाइल स्टैंड मिल रहा है, जिसके वजह से आपके दोनों ही काम हो जाते हैं और दोनों ही आपके आंखों के सामने होंगे, और बहुत ही प्यारा ये कॉम्पैक्ट लगने वाला है, ये कूलिंग पैड लगने वाला है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त इसका 1249 रुपए प्राइस है। बेसिक प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमेशा 1500 रुपए के आसपास को पकड़ करके चलता है, एक अच्छी डील मिल रही है, जरूर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल अब हम आ जाते हैं एंटी स्पोर्ट के अंदर, जैसे कि एसेसरीज हो गया, कैबिनेट्स हो गया, पावर सप्लाई हो गया, बहुत सारे पीसी कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं और सभी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। कम बजट के अंदर अगर थोड़ा अच्छी क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर एंटी स्पोर्ट एक बहुत अच्छा नाम रखता है, एक बहुत अच्छा जो है रेपुटेशन भी मार्केट में रखता है। एंटी स्पोर्ट NC150 जो है आप मॉडल ले सकते हैं, कम बजट अगर आपके पास में है तो। ये 2 फैन के साथ में ये आता है, LED भी लगी हुई है इसके अंदर, 5 स्टेप जो है आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, जो कि अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल स्टैंड भी है, मात्र 549 रुपए का जो है आपको ये मिल रहा है। इस वक्त अगर बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 700 रुपए के आसपास में चलता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डील मिल रही है। 6 फैन के साथ में अगर आपको चाहिए तो ये मॉडल बाय कर सकते हैं, एंट प्लस का मॉडल आप बाय कर सकते हैं। ड्रैकुला 60 मॉडल है ये, और ये बहुत ही बेहतरीन कूलिंग पैड में से एक हो सकता है। 6
फैन है। 2400 RPM के साथ में ये आते हैं सारे के सारे फैन। 5 हाइट एडजस्टेबल इसके साथ में आता है मिला जुला करके। 17 इंच तक के लैपटॉप को ये हैंडल कर सकता है और बिल्कुल कूल रख सकता है, क्योंकि 6 फैन का मतलब हर जगह आपको जो है हवा मिल रही है, एयर मिल रहा है, इसीलिए कहीं पर भी हीट होने का कोई भी चांसेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है 6 फैन होने के बावजूद इसका प्राइस बहुत अच्छा है, मात्र 699 रुपये का ये आपको मिल रहा है। अगर हम इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 800 रुपये के आसपास चल रहा होता है, तो अगर इस बजट में मिलता है तो आप बिल्कुल भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फिर दोबारा एंटी स्पोर्ट के अंदर अगर हम आते हैं, एंटी स्पोर्ट का NC250 ये RGB फैन के साथ में आने वाला है, यानी कूलिंग पैड के 3 साइड में जो है आपको RGB स्ट्रिप मिल रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेमिंग लुक आपको प्रोवाइड कराएगा। बाकी जो है फैन के अंदर LED ऑलरेडी आपको मिल ही रही है, 6 फैन है इसीलिए बहुत ही अच्छा कूलिंग भी प्रोवाइड करने वाला है। 7 हाइट एडजस्टेबल इसके अंदर मिलता है, तो इसका एडजस्टमेंट बहुत ही बेहतर हो सकता है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो है 849 रुपये का इसका प्राइस है। अगर हम बेसिक प्राइस की बात करें तो ये करीब 900 रुपये के आसपास में बनता है, 1000 रुपये के अंदर ही रहता है, तो कोई बहुत डील नहीं है, लेकिन 100-150 रुपये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके लिए मायने रखता है तो बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो मॉडल है ये बहुत ही गेमिंग लुक्स के साथ में ये आता है, एंटी स्पोर्ट का NC270 RGB के साथ में आता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये है। एक्चुअली ये पूरा ओवरऑल लुक जो इसका है ये गेमिंग फील आपको दिलाने वाला है और बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ में आता है। रेड LED अंदर चलती है तो बहुत ही प्यारा लगता है। डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आने वाला है इस, और इसका स्पीड कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। इसके एंगल को जो हाइट एडजस्टेबल है उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेप ही मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। बहुत ही ज्यादा ये ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन गेमिंग लैपटॉप को बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की भी जरूरत नहीं होती है, ये इसी हाइट पे बहुत अच्छा लगता है। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही प्रीमियम आपको फील दिलाने वाला है ये मॉडल। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये 1049 रुपये की है, जो कि 1200-1300 रुपये पकड़ करके चलता है। बहुत ही प्यारा मॉडल है, अगर आप इसको लेना चाहें तो बिल्कुल भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल की बात करें उससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो सिंगल फैन है, लेकिन बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है ये, बड़ा ही फेमस मॉडल है ये, एंटी स्पोर्ट का बहुत ही प्यारा मॉडल है, लोग बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। एंटी स्पोर्ट का NC320 मॉडल है, RGB फैन के साथ में आता है। इसका फैन ही RGB है, बहुत ही कमाल का, और चारों साइड से स्ट्रिप जो है उसके अंदर भी RGB है। जिनको RGB का कीड़ा है वो बिल्कुल भी ले सकते हैं, आपके PC में भी अगर RGB है, कीबोर्ड एंड माउस में भी RGB है, तो आप लैपटॉप कूलिंग पैड भी RGB ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। 140 mm का इसके अंदर एक फैन लगा हुआ है, जो कि एक बड़ा फैन है और RGB के साथ में, इसलिए और भी खूबसूरत लगने वाला है, लुक्स बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने वाला है और किसी भी लैपटॉप को ये सपोर्ट करने वाला है। और इसके ऊपर जो है आपको पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलेगी, जहां से आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही पूरा फुल्ली डिजिटली आपको ये फील दिलाने वाला है। ऐसा किसी को फील देगा कि आप कूलिंग पैड नहीं, कोई टेक्निकल कोई और चीज कुछ रख रखे हैं जो कुछ बिल्कुल अलग है। तो अलग सा अगर फील लेना है तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत ही कमाल का मॉडल होने वाला है। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो आ जाते हैं अब हम कॉस्मिक बाइट के अंदर। कॉस्मिक बाइट एक बहुत ही फेमस और रिलायबल जो है ब्रांड है, जो कि कीबोर्ड एंड माउस के अंदर बहुत ही ज्यादा भारत में फेमस हुआ है। तो इसी के अंदर जो है कूलिंग पैड भी आने वाला है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। ये सस्ते मॉडल इनके कुछ भी नहीं मिलते हैं, अगर आप कीबोर्ड एंड माउस में भी जाएंगे तो सारे महंगे प्रीमियम मॉडल ही मिलते हैं, और इसीलिए कॉस्मिक बाइट के अंदर आपका ये कूलिंग पैड भी बहुत ही प्रीमियम है। इसके अंदर 6 फैन आपको मिल रहा है, 17 इंच लैपटॉप तक जो है आप इस पे यूज कर सकते हैं, और बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ में आने वाला है। RGB लाइट्स के साथ में भी रहने वाला है, साइड से RGB लाइट्स मिलेगी, जो फील बहुत ही बेहतरीन आपको जो है दिलाने वाली है। प्राइस इसका अभी फिलहाल 1499 रुपये है। अगर हम इसके बेसिक बजट की बात करें तो ये हमेशा 2299 यानी कि 2200 से ऊपर देखा गया है, तो कहीं ना कहीं कॉस्मिक बाइट का ये मॉडल बहुत ही अच्छे प्राइस में इस वक्त मिल रहा है। बाकी इसके ऊपर भी आपको जो है डिजिटली कंट्रोल्ड मिलता है, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, वहां से भी आप फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कॉस्मिक बाइट का ये बहुत ही प्यारा मॉडल है, जो कि 5 फैन के साथ में है, जो दोनों साइड में दो दो फैन लगे, वो थोड़े छोटे हैं, बीच में बड़ा फैन लगा हुआ है और वो RGB के साथ में है। बाकी साइड में स्ट्रिप जो है आपको RGB मिलेगी, इस पर भी जो है डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, कंट्रोल डिजिटली ही मिलेगा, जो
क्योंकि फैन को कंट्रोल कर सकते हैं और आरजीबी को जो है आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मॉडल रहने वाला है, बहुत ही कमाल के लुक्स के साथ में, बिल्कुल गेमिंग वाला फील आपको दिलाने वाला है। प्राइस इसका इस वक्त जो है 1999 रुपए है, जिसका बेसिक प्राइस जो है हमेशा 2600 रुपए के आसपास रहता है, 2500 रुपए से ऊपर ही हमेशा देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 500 से 600 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, जो इसके लिए एक अच्छा डिस्काउंट हो सकता है, आप बिल्कुल भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो अमेजोन बेसिक का एक मॉडल है जो कि बहुत ही ज्यादा बिका हुआ है मार्केट में और बहुत अच्छी इसकी रेटिंग भी है, लोग बहुत ज्यादा पसंद किए हुए हैं। अमेजोन बेसिक का जो है ये कूलिंग पैड है, 6 फैन के साथ में आता है, लेकिन 2 लेवल ही इसका जो है हाइट एडजस्टेबल है, मिला जुला करके जितनी की एक नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपके लिए नहीं है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, जो कि मिला जुला करके बहुत अच्छा मॉडल ये हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल भी ले सकते हैं कम बजट के अंदर। बहुत अच्छा कूलिंग पैड, अगर प्रीमियमनेस अगर देखा जाए तो बजट के हिसाब से अमेजोन बेसिक के सभी मॉडल बहुत अच्छे होते हैं। 699 रुपये प्राइस से 700 के अंदर अंदर मिल रहा है, इसका बेसिक प्राइस जो है 1399 यानी कि 1400 रुपये से प्लस ही हमेशा देखा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सीधा 50% का आपको जो है यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल आ जाते हैं EvoFox में, जो कि ये ब्रांड कीबोर्ड एंड माउस में बहुत ही फेमस हो रहा है भारत में, तो आप इस मॉडल के साथ में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा मॉडल ये भी है। इसके अंदर जो है 2 आपको फैन मिल रहे हैं, 125 एमएम का साइलेंट फैन है, 5 एडजस्टेबल हाइट इसके साथ में मिल रही है, 2 यूएसबी पोर्ट मिल रहे हैं और ये 15.6 इंच वाले लैपटॉप के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। प्राइस इसका 699 रुपए है, तो इस बजट के अंदर बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक अच्छा कूलिंग पैड आपके लिए हो सकता है। अगला मॉडल है क्रेओ टुंड्रा, या फिर टुंड्रा बोल सकते हैं, ये मॉडल भी भारत में भी जल्दी ही आया है और पहले से भी अगर होगा लेकिन फेमस अभी जल्दी में ही हो रहा है, लोग बड़े ही पसंद कर रहे हैं इसको। 5 फैन के साथ में ये मॉडल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, लोग इसे भी बाय कर रहे हैं और बहुत अच्छे लाइक भी कर रहे हैं, इसकी रेटिंग 4.4 की है, तो आप समझ सकते हैं प्राइस वाइज देखा जाए तो इसको लोग बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। RGB के साथ में है, दोनों साइड में RGB स्ट्रिप भी आपको मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले भी मिल रहा है, डिजिटल कंट्रोलिंग भी मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए काफी खूबसूरत मॉडल रहने वाला है। 1699 रुपए इसका प्राइस है और RGB के 10 मोड्स इसके अंदर मिलते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं मोड्स इसके सेलेक्ट करने होंगे, जो कि 10 मोड्स होते हैं, जो कि बहुत है अगर देखा जाए कूलिंग पैड के हिसाब से। तो 1699 रुपए इसका प्राइस है, हमेशा जो है ये 2000 को पकड़ के चलता है, 2000 के आसपास ही इसको देखा गया है। इसके अलावा टैग गेमर्स ब्रांड, ये भी जल्दी ही फेमस हो रहा है, ये भी ठीक ठाक है, कम बजट के अंदर इसकी भी एक्सेसरीज ठीक ठाक मिल रहे हैं। 4 फैन के साथ में, 2 साइड में बड़े बड़े फैन है और 2 जो है आपको बीच में छोटे छोटे मिलेंगे, जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है और अच्छा कूलिंग प्रोवाइड कराता है। 5 हाइट एडजस्टेबल के साथ में ये आता है, जो कि मिला जुला करके कम बजट के अंदर एक अच्छा कूलिंग पैड ये हो सकता है। 699 रुपए इसका प्राइस है, अगर हम इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये करीब 700-800 रुपए के आसपास ही देखा जाता है, तो कोई बहुत खास इसके अंदर नहीं है डीलिंग इस वक्त अगर देखा जाए तो। लेकिन जो इनका दूसरा मॉडल है ये इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है इसका, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है ये। 2 ही फैन होते हैं लेकिन दोनों ही फैन RGB फैन होते हैं और दोनों साइड से स्ट्रिप्स भी जो निकलती है, दोनों साइड में RGB का एक अच्छा सा पैनल दिया हुआ है, जो दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है, और बीच में डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है और स्पीड कंट्रोलर भी मिल रहा है इसके अंदर। 5 हाइट एडजस्टमेंट के लिए आपको मिल रहा है पॉइंट्स, जो कि बहुत अच्छा है, साथ में जो है मोबाइल होल्डर भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इसका लुक्स है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ में है। 1699 रुपये प्राइस इसका भी है, अगर हम इसके बेसिक प्राइस की बात करें कोई बहुत खास इसके अंदर, एक्चुअली इन दोनों ही मॉडल के अंदर कोई खास डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है, ये 1700-1800 रुपए के बीच में चलता रहता है, लेकिन ये मॉडल बहुत ही खास था, लोग पसंद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस मॉडल को इस लिस्ट के अंदर लिया है। तो ये थे सारे के सारे लैपटॉप कूलिंग पैड, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।